नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये हम जो सीरीज चल रही है एमपी जीके की, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एमपी में, वो हम सारे जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं करेंट अफेयर्स के छोड़कर, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो है अपडेट होता रहता है। तो आपको जो अगर करेंट में अभी कोई एग्ज़ाम होता है तो आपको 6 महीने के या उससे 8 या 10 महीने के करंट अफेयर्स करना होगा। तो हम करंट अफेयर्स के नहीं देख रहे यहाँ पर, हम स्टैटिक जीके जो पूछी जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक क्वेश्चन को बार बार, तो वो हम सब देख रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम करीबन 5 या 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखे, यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला है मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप में स्थित है, यानी जापानी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? पीथमपुर में, जो कि काफ़ी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं वहाँ पर रहती हैं। और आपको पता है जापान जो रहता है कारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है, तो इसका आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पीथमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरा देही अभयारण्य है? आपको पता है नौरा देही अभयारण्य जो है वो सागर में हो, और मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा नौरा देही अभयारण्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे जो छोटा है वो राला मंडर है, इंदौर में है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको मोस्टली याद रखना है। बाकी हमने अभयारण्य पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अभयारण्य है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो एमपी जीके की प्लेलिस्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो की गई थी इंदौर में की गई थी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट, ये 2018 का है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरचित रेशम और सूती धागे से बने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है आपको? महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो रानी अहिल्याबाई होलकर, और ये महेश्वर से आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा, तो सूती और जो भी रेशम के धागे की बनी होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दरअसल बता चुका हूँ मैं, ये स्वच्छ जो सर्वेक्षण हुआ था 2018 का है, बाकी 2019 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो भोपाल जो है क्लीनियस कैपिटल है, और इंदौर जो है सिटी है इंडिया की नंबर 1 जो साफ स्वच्छ साफ सर्वेक्षण के मामले में, तो ये आपको याद रखना है, ये 2018 का है। 2018 में आपको पता है कि इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पर थी और दूसरे नंबर पर जी थी वो भोपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? तो ये थे संतूर के, इसका आंसर हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र में उस्ताद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय पक्षी है? तो राजकीय पक्षी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दूधराज या बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो एशियन पैराडाइज फ्लाइंग कचर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में जो पाई गई है इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जियो कैलॉन एलिगेंस। ओके, जियो कैलॉन एलिगेंस ये चूहे की एक प्रजाति, कछुए की प्रजाति है जो कि मध्य प्रदेश में ये पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में से एक की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो ये कहाँ पर दी है? ये भोपाल में दी हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रेलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाते हैं? तो काफ़ी आपको पता है जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेलो जनजाति जो गीत है वो कौन सी जनजाति? जो मारिया जनजाति है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मारिया जनजाति के लिए ये गाया जाता है, जनजाति द्वारा गाते हैं रेलो जनजाति गीत। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो थर्मल की बात की जाए तो थर्मल से याद हीट एक तरीके से यूज होता है, और सिंगरौली जहाँ पर कोयला
पाया जाता है, तो इससे आप रिलेट थोड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है थर्मल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है संबल योजना, ये काफ़ी जाना माना है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो संबल योजना है वो किससे संबंधित है। तो आपको पता है जो सब्सिडीज है बिजली कनेक्शन में, तो उससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वैसे तो अभी 52 हो गए हैं, ओके, तो 52 हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको 51 लगाना है, क्योंकि जो 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए, तो अगर करंट में पूछा जाता है कि अभी करंट में कौन सा जिला बना है और उस हिसाब से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 52 लगाना है, ओके, कि अभी मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बना है, जिससे टोटल मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो आपको 52 लगाना है, तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। बाकी बाण सागर परियोजना, ये जो किस पे नदी, ये कौन सी नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट का अफेयर का है, और इससे पहले भी पूछा गया है कि ये कौन से 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसका अनुपात की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 अनुपात, उत्तर प्रदेश 1 और बिहार 1, तो ये भी आपको याद रखना है। और परियोजना ये कब प्रारंभ की गई थी, 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बात की जाए तो 2 जनवरी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2018 में जो मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे उत्पादक बड़ा है, तो कौन से नंबर का बना है, ये 4वें नंबर का जो है बना है दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश, भारत की बात की जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? तो प्रसाद स्कीम के तहत ये जो है ओमकारेश्वर चुना गया है, और आपको पता है यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है, नर्मदा नदी को कहा गया है, और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, आपको पता है, और ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात में होकर नहीं, ये कहाँ पर चली जाती है, अरेबियन सी में, ओके, तो अरेबियन सी में चली जाती है। और आपको इसकी बात की जाए तो लंबाई जो है याद रखना है 13-12, ये पूरे टोटल है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1077, मतलब 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। और नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा है, तो ये भी आप याद रखना। और ये किससे होकर गुजरती है, तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, तो रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना। और काफ़ी जो कपिल धारा धुआंधार वाटरफॉल बनाती है जबलपुर में, कपिल धारा जो है वो अमरकंटक में, सहस्त्र धारा जो है मैं महेश्वर में बनाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, जिसे जीवन रेखा कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये बात की जाए, तो घड़ियाल जो है ज़्यादातर जो चंबल नदी है तो वहाँ पर पाए जाते हैं, इधर मुरैना साइड, भिंड मुरैना इधर से, तो घड़ियाल, और वहाँ पर जो है एक अभयारण्य भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभयारण्य की बात की जाए तो राष्ट्रीय चंबल, ओके, तो इस नाम से जो है वो मुरैना में एक अभयारण्य है जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल सबसे ज़्यादा वहीं पर पाए जाते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का कौन नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो ये जो है अशोक, अशोक की पत्नी थी, तो उनके नाम पर रखा गया विदिशा, और अशोक ने कुछ किलोमीटर की दूर पर, करीबन 8 से किलोमीटर 8-10 के किलोमीटर के बीच में जो है वो वहाँ पर सांचू स्तूप बनवाए थे, सांची है, तो ये भी आपको याद रखना है, अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। और विदिशा क्षेत्र का नाम किसके द्वारा, सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदिशा में हेलिओडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो हेली
डोरस स्तंभ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो सड़क सुरक्षा में ऋण मिले थे, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जो एशियन डेवलप बैंक द्वारा जो ऋण दिया गया था वो कितना था। बात की जाए तो यहाँ पर $375 जो ऋण समझौता हुआ था मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2016 का है तो ये थोड़ा 2017 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो पहला की बात की जाए तो पहला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आनंद हैप्पीनेस जो है डिपार्टमेंट बनाने के लिए ये पहला राज्य बन गया था और इसमें जो है IIT खड़गपुर शामिल था। ओके तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सागर। ओके तो सागर जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल की किस मस्जिद को मस्जिद ए ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ओके तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, लार्जेस्ट है, और ये जो है इसका नाम आपको काफ़ी याद है, ताजुल मस्जिद जो भोपाल में, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश, ये दरअसल इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं पर मैं ऑप्शन इसके बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अंजलि इला मेनन जो 2018 में इनको बात की जाए तो पुरस्कार मिला था कालिदास सम्मान, तो उससे संबंधित है, बाकी आपको नाम याद रखना है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCS यानी कल्चर्स स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस को संस्कृत मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो जबलपुर में कहाँ पर, सब रीजनल साइंस सेंटर में, उप क्षेत्रीय विज्ञान क्षेत्र में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और आपसे जबलपुर याद रखना है तो जबलपुर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ से किया गया था, ये किया गया था अमरकंटक से, और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है तो ये वहीं से जो है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा तो निकलती है और एक और नदी और निकलती है, तो उस कंसर्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में, दरअसल ये भी करंट का है, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से किस मार्ग पर कमीशन किया गया था, तो ये जो किया गया था जबलपुर में। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है, तो ये नौरादेही अभयारण्य, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है अभी मैंने बताया कि नौरादेही अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि सागर में। चलिए अगला है कि भारत और वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का, और इसमें मैंने बताया था कि जो भारत और वियतनाम के बीच हुआ था वो जबलपुर में हुआ था और कभी करीबन 6 से 8 दिन का चला था और इसका नाम जो था वो बिनवैक्स था। ओके ये एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज, उसका नाम जो रखा गया था वो बेनबैक्स रखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र को जो है वो इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ENBIS मध्य प्रदेश को ENBIS नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था, बात की जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात की जाए तो प्रतिवर्ष उनके नाम पर जो है वो मैहर सतना में एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस आंसर आंसर कीजिएगा कमेंट। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।